बंधुओं, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की इस संयुक्त प्रेस वार्ता में मैं प्रदेश प्रभारी की हैसियत से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए जहमत दी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दोनों लोगों की सहमति के बाद महाराष्ट्र प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा के आम चुनाव को मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बात की सूचना देने के लिए आप लोगों के बीच में हम दोनों पार्टियों के नेता, हमारी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साकरे जी, प्रदेश प्रभारी भाई प्रमोद रैना जी और अबू आजमी साहब, रईस भाई, सभी लोग आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और इस गठबंधन का मूल उद्देश्य वही जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी दोनों लोगों ने मिलकर के इस देश में जो राजनीतिक पार्टियाँ खासतौर से केंद्र और प्रदेशों में वर्तमान में सत्तासीन हैं, उन पार्टियों के द्वारा बहुजन समाज के लोगों का, खासतौर से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अखिलेश समाज के लोगों के साथ जो पिछले 5 वर्षों में अन्याय की नीति अपनाने का काम किया है, इसलिए उन सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए दोनों नेताओं ने यह फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लगे हुए प्रदेशों में और महाराष्ट्र प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के पार्लियामेंट के चुनाव लड़े। इस संबंध में आज आप लोगों के बीच में इस बात को सूचित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाकी अबू आजमी साहब आप लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया था जी, तब वहाँ पे कांग्रेस का सफाया हो गया था जी। मेरा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में बहन जी और अखिलेश जी की ज्वाइंट रैली होने वाली है, और एक और विदर्भ को लेकर बीएसपी की क्या प्लान है? देखिए, विदर्भ में जैसा आपने कहा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि विदर्भ में बहुजन समाज पार्टी बहुत स्ट्रांग है, कैडर बहुत नीचे तक हमारा है, इसमें कोई शक नहीं। और पिछले रिजल्ट के हिसाब से भी लगता है कि हम सब सीटों पे हमारा वोट अच्छा खासा है। जहां तक दोनों नेताओं की जनसभा की बात है, वो हम लोगों ने डिमांड रखी है और जल्दी हम लोगों को डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पे हमको वहां पे ज्वाइंट रैली मिलेगी। नहीं तो बहन जी का पहला प्रोग्राम 5 तारीख को हमारा नागपुर डिसाइड हो गया है, 5 तारीख को बहन जी आ रही, हम लोग निवेदन करेंगे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी आए। हमारे लोगों का प्रयास रहेगा, उसके उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि विदर्भ हमारा जो बहुत स्ट्रांग जोन है, वहां पर हम लोग मजबूती के साथ ऐसा कुछ करें कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसा रिजल्ट आए जो लोगों को लगे कि नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया गठबंधन का तो अच्छा रिजल्ट आया। 5 अप्रैल जी, 5 अप्रैल बताइए। अशोक सिद्धार्थ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल सेक्रेटरी और महाराष्ट्र के प्रभारी, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। मैं श्री आदरणीय प्रमोद रायना जी जो है महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं सन्माननीय श्री सुरेश साखरे जी का, जो महाराष्ट्र के बसपा के अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे बीच में प्रोफेसर एनडी खंडारे जी हैं जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, और हमारे साथ जनाब अबू आसिम आजमी साहब, आमदार और महाराष्ट्र और मुंबई की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो हैं हमारे साथ। हम जो है उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, जबकि 10-15 सीट मिलना मुश्किल उनको होती है। ईमानदारी से हम कह रहे हैं कि हम जितनी लड़ेंगे सब जीतेंगे। देश में जो चौकीदार बोले जाते हैं, इनकी झूठ बोलने की इंतहा नहीं है, और देश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक बार बाई इलेक्शन में सेमीफाइनल खेला था, और वो सीट जो 2830 साल से गोरखपुर की उनके कब्जे में थी, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर जो सत्ता में बैठे हुए थे, उन सबको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ओपनली अलायंस नहीं, मंच पर आके भाषण नहीं,
परंतु सिर्फ कार्यकर्ताओं को इशारा किया तो चारों सीट चुनकर आ गए। तो अब फाइनल जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें यह तय है कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई अलायंस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकता है तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई अलायंस नहीं हो सकता। हमें नहीं बल्कि जितने भी एनालिसिस हैं उन सब का ये मानना है कि बीजेपी 5-7 सीटों पे रह जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। अफसोस की बात एक ये है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश में और बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं जो पूरे देश में हैं, लेकिन कांग्रेस इस देश में दलितों, मुसलमानों, किसानों, दबे कुचलों को मजबूर करके वोट लेना चाहती है, उनका काम करके वोट लेना नहीं चाहती। आज महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, ये समझते हैं कांग्रेस के लोग कि इनके पास कोई अल्टरनेट फोर्स नहीं है। अल्टरनेट फोर्स यूपी में मौजूद हो गई, कांग्रेस को कोई छुएगा नहीं, वहां पे बिहार में हो गई, कोई पूछेगा नहीं उनको। इस तरह से जिन जिन प्रदेशों में अल्टरनेट फोर्स हो चुकी है वहां कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहलाती है वो मजबूरी नहीं है लोगों की, महाराष्ट्र और कुछ जगह पे मजबूरी बन रही है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम लोग लॉन्ग टर्म एक अच्छी तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे और हम दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो रियल में समाज के वो लोग जो 90% हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, और अब इन पार्टियों को पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और कांग्रेस जो मजबूरी है वो खत्म हो करेंगे, ये सोच करके हम लोगों ने अलायंस किया है और पूरी 48 सीटों पर ये अलायंस इलेक्शन लड़ेगा।